व्हाट्स अप गाइस, तो वापस आ चुके हैं हम लोग अनबॉक्सिंग के वीडियो में। तो आज हम लोग बहुत ही मजेदार चीज अनबॉक्स कर रहे हैं गाइस, और मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो उसमें मैं साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया था साथ में, तो मैं डिफरेंट अलग से साउंड रिकॉर्ड करके बाद में ऐड कर रहा हूँ। और ये जो अनबॉक्सिंग है उसमें एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ के रखा था, दूसरे हाथ से अनबॉक्सिंग कर रहा था, तो एक हाथ से सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं। थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी लेकिन बहुत ही मस्त चीज़ ऑर्डर की है मैंने। ये देखो हमारा नया एक्शन कैमरा, बहुत ही मस्त वाला 4K 60fps वाला एक्शन कैमरा ऑर्डर किया है हमने गाइस। और ये क्यों ये कैमरा हमने बाय किया है उसके बारे में आपको इस वीडियो के आधे वीडियो के बाद पता चल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होने वाली गाइस इस वीडियो में, आप लोगों को दिखेगा आगे जो भी आएगा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाली है आज। आप लोगों को बहुत नई नई चीज़ें मेरे बारे में जानने मिलने वाली है, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने मिलने वाली है मेरे बारे में, और मैं जहाँ पे रहता हूँ उस बारे में भी। तो ये बॉक्स हम ओपन कर रहे हैं अभी, कैमरा का अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती है देखते हैं हम लोग। बहुत बहुत सारी एक्सेसरी के साथ आता है ये कैमरा, बहुत ही मस्त दिख रहा है, दिखने में तो बहुत ही मस्त है ये कैमरा। और एक हाथ से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तो बहुत ही थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि दूसरे हाथ से मैं मोबाइल पकड़ के मोबाइल में से रिकॉर्डिंग कर रहा था। मेरे गैलेक्सी नोट 9 बहुत पुराना मोबाइल है, 3 साल पुराना मोबाइल है, जो उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये। और ये एक्शन कैमरा बहुत ही मस्त है दिखने में गाइस, बहुत ही सुपर दिख रहा है। तो ये रहा कैमरा हमारा, इसको हम अभी ओपन करेंगे और उसमें से सारी एक्सेसरी वगैरह निकाल के आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है हमारा मेन कैमरा, और देखो ये आप देख सकते हो 4K 60fps कैसन का है ये। तो मैंने बहुत ज़्यादा महंगा कैमरा नहीं, एकदम बजट वाला कैमरा ऑर्डर किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ व्लॉग वगैरह करता नहीं हूँ, ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैंने ये मंगवाया है। तो ज़्यादा महंगा नहीं मंगवाया ये, सिर्फ 7800 समथिंग में पड़ा था। तो ये बॉक्स में देखो ये सारी चीज़ें, ये उसका रिमोट कंट्रोल है जिससे हम लोग फ़ोटो खींच सकते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था ये। मैंने ये चेक किया था, बहुत ही मस्त फील, बहुत ही अच्छा था उसका। फिर ये वायर है, फिर ये बाकी के अटैचमेंट वगैरह ये सारे उसके अलग अलग, बहुत सारे माउंट्स वगैरह, बाइक माउंट, फिर साइकिल माउंट, सब अलग अलग बहुत कुछ है ये। फिर ये एक्स्ट्रा माइक्रोफोन, फिर ये एक्स्ट्रा उसका बैक कवर है, फिर ये माइक्रोफोन कन्वर्टर, इसके ये स्ट्रैप्स है जो हम लगा सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें अंदर साथ में आती है इसमें। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये इसका यूज़र मैनुअल है ये। तो ये सारी चीज़ें साइड पे रख के दूसरा बॉक्स ओपन करते हैं, उसमें से भी बहुत कुछ निकल रहा है गाइस। तो बहुत सारी चीज़ें साथ में आती है इसके, देखो एक और माउंट है अलग टाइप की, ये कार में लगाने के लिए या फिर कहीं पे भी हेलमेट पे चिपकाने के लिए माउंट है जिसमें आप कैमरा लगा सकते हो, वो सब सारी चीज़ें इसमें। फिर ये एक्स्ट्रा बैटरी, एक बैटरी कैमरे के अंदर भी आई है, और ये जो बैटरी है वो एक्स्ट्रा बैटरी है उसकी, दो बैटरीज आती है इसके साथ। ये सारी एक्सेसरी उसकी जो साथ में आई हुई है वो। तो ये हमारा कैमरा जो अभी वाटरप्रूफ केसिंग के अंदर है। इसको निकालते हैं, बहुत ही अच्छा फील था ये निकालने में, मुझे बहुत ही मज़ा आता है गाइस कि कोई भी चीज़ ऐसे, कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें पील करने में, वो निकालने में बहुत ही मज़ा आता है। और ये इसका बॉक्स हम खोलते हैं, जो वाटरप्रूफ केस है उसको खोल के मेन कैमरा को बाहर निकालते हैं। तो ये रहा हमारा मस्त कैमरा, बहुत ही मस्त दिख रहा है गाइस, इसका लुक भी बहुत ही अच्छा है इसका, और बहुत ही मस्त कैमरा है ये, छोटू सा एकदम हाथ में इतू सा है, बहुत ही मस्त दिखता है इसका। ये भी निकालने में बहुत ही मज़ा आया था मुझे। तो ये देखो इसकी स्क्रीन एकदम मस्त लग रही है पीछे से। तो ये टच स्क्रीन है गाइस, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड और चार्जिंग स्लॉट है, और HD कुछ पोर्ट है जो मुझे नहीं पता उसका कैसे क्या यूज़ होता है। पीछे बैटरी नीचे से डाल सकते, ये बटन है दो, और ये चालू करने का बटन है आगे की तरफ, नीचे बैटरी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप का बटन है ऊपर की तरफ। ये जो लेंस है उसको भी हम निकाल देते हैं प्लास्टिक को।
तो अभी हम कैमरा ऑन करते हैं और देखते हैं अंदर थोड़े पिक्चर्स वगैरह। तो ये 4K60 का जो टच स्क्रीन है वो भी बहुत ही मस्त है गाइस, टच बहुत ही रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था इसका टच वगैरह का। तो ये इमेज स्टेबिलाइजेशन है, फिर ये अलग अलग मोड 1080p 120fps वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें। इसीलिए मैंने ये कैमरा ऑर्डर किया था कि मैं कुछ छोटे मोटे रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाऊँ और बहुत ही क्वालिटी भी अच्छी रहे शायद। ये देखो यहाँ पर उसकी वीडियो क्वालिटी। तो ये है मेरा बाइक गाइस, तो बाइक रिवील हो चुका है। ये बाइक मेरा बहुत लगभग 4 से 5 साल पुराना बाइक है, लेकिन एकदम नए जैसा एकदम मस्त संभाल के यूज़ किया हुआ है और बहुत ही मस्त बाइक है, मेरा फेवरेट बाइक ही है, बहुत टाइम से चलाता हूँ इसको। तो मैं जब यूट्यूबर नहीं था उसके पहले से ये बाइक लिया हुआ था, मेरे पापा ने मुझे ये लेके दिया था और बहुत ही पसंद है मुझे ये बाइक, बहुत ही मज़ा आता है इसको चलाने में, बहुत ही मस्त फील होता है गाइस। मुझे बहुत ही मज़ा आता है स्पोर्ट्स बाइक चलाने में, बहुत ही शौकीन हूँ मैं, मेरा हेलमेट भी बहुत ही मस्त मैंने ये बाइक किया था तब उसके साथ। तो थोड़ा सा अभी वीडियो हम आप लोग दिखाते हैं थोड़ा घूम के यहाँ वहाँ। ये जगह जो है महात्मा मंदिर के पास में हम लोग हैं और ये जगह बहुत ही मस्त है और इसके आसपास हम बहुत मस्त घूमे थे बाइक लेके। और ये जो कैमरा है वो उसी कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्शन कैमरा में। तो ये देखो बाइक चालू हो रहा है हमारा, मस्त सुपर बाइक है गाइस, सच में मुझे बहुत ही पसंद है ये बाइक और एकदम स्मूथ इतने सालों के बाद भी बहुत ही मस्त चल रहा है बाइक। तो आप लोग देखो गाइस हम घूमे बहुत सारी जगह पर, वो कैमरा मैंने हेलमेट पर माउंट कर दिया था और उसी कैमरा से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कैमरा क्वालिटी भी देखो, थोड़ा सा बादल वगैरह थे तो ये कैमरे में एक प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी लाइटिंग कम होती है तो इमेज क्वालिटी जो है वो शार्प मतलब थोड़ी सी अजीब आती है ऐसा लगता है, पर फुल लाइट में बहुत ही अच्छा क्वालिटी देता है ये। तो अभी थोड़े बादल वगैरह थे फिर भी थोड़ी सी क्वालिटी तो अच्छी आई है। तो आप लोग देखो गाइस एंजॉय करो वीडियो को।
अगर बात करें कैमरा क्वालिटी के बारे में तो क्वालिटी गाइस लो लाइट में या फिर अगर बादल वगैरह होते तो उस टाइप के लाइट में इतना क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राइस पॉइंट है उस हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और अगर लाइट अच्छी रही तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है। और अभी जो आप लोगों ने जो वीडियो देखा वो उसी में रिकॉर्ड किया हुआ है अपने, तो मेरे मतलब मुझे जिस काम के लिए चाहिए वो काम मुझे चल जाएगा, तो मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार बाइक वगैरह घूमने जाता हूँ तो आप लोगों को भी कुछ मैं ऐसे मस्त मस्त सीन वगैरह दिखा पाऊँ। उसके लिए ये सब टेस्टिंग वगैरह मैं कर रहा था आज, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी जगह। ये मेरा सिटी में मैं घूम रहा था, यहाँ पे बहुत ही मस्त जगह है वो सारी। ओके गाइस, तो कैसा लगा वीडियो, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा और मैं आगे भी ऐसे मस्त वाले वीडियोस बनाने की और थोड़ा सा व्लॉगिंग वगैरह का ट्राई करेंगे हम लोग। तो आप लोगों को और भी बहुत सारी मेरी बाइक ट्रिप्स वगैरह देखने मिल सकते हैं आगे, मैं कहीं पे जाऊंगा या फिर कहीं पे घूमने हम जाएंगे, इसी कैमरा के साथ रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और ऐसे बहुत ही मस्त मस्त जगहों के वीडियोज़ अपलोड किए करेंगे आगे। तो ये सब वीडियोज़ मिस मत करना गाइस आगे के, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो चैनल पे तो, और लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक भी कर दो गाइस। तो इसी के साथ यहाँ पे ये वाला वीडियो एंड करते हैं, लेकिन आगे और भी वीडियोज़ हम डालते रहेंगे गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।